तो क्या बोल रही है अपनी वनटाई की पब्लिक, जनता को चाहिए था कंटेंट तो तुम्हारा भाई शारिक लाया और एक कंटेंट, शारिक बोलते बा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार मैं वापस अपने चटर पटर दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ गाइस। स्नेहा मैडम हो गई, बनी चोमू हो गया और दो दो बनी चोमू हो गए एक्चुअली, तो ये मेरे चटर पटर दोस्त है लॉबी में गाइस। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैंने सोचा था जोर जोर जाए, पर ये गेम में मेरे फैंस थे जिन्होंने बोला कि वो मेरे को मारना चाहते हैं, तो गाइस मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया। तो मैंने बोला जोर जोर नहीं जाते यार, बिना गन के मरूंगा ना तो फेयर फाइट नहीं होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि हम पोचिंग की जाते, क्योंकि पोचिंग की में कोई गली नहीं जहाँ शारिक भाई की चली नहीं। जैसे कि आप सबको पता है पोचिंग की मेरा एक घर टाइप ही है, तो पोचिंग की गेम हमारा ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइज हमने डिसाइड किया कि हम पोचिंग की ड्रॉप करेंगे। और गाइज अगर आप चाहते हो कि शारिक एंड ब्रू मैक्सटन का एक वीडियो आए ट्रियो वर्सेस स्क्वाड, तो गाइज ये वीडियो पे हो जाने चाहिए कम से कम 2000 लाइक। 2000 लाइक का टारगेट है गाइज, 2000 लाइक अगर ये वीडियो पे हो गए तो शारिक एंड ब्रू मैक्सटन का एक ट्रियो वीडियो, स्पेशल वीडियो जो होने वाला है वो जल्दी होने वाला है। और गाइज सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा दो, क्योंकि हम बहुत पास है 40,000 के, 40K सब्स गाइज, मैं बिलीव नहीं कर सकता हम बहुत क्लोज है 40K। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइज, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो शेयर करो वीडियो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 40K टच करने वाले गाइज माइलस्टोन। 40K पे Q&A वीडियो सब करेंगे, बहुत चीज़ें प्लान करिए 40K पे। तो लेट्स सी भाई हमें कितना टाइम लगता है 40K पहुँचने में। तो यहाँ हम पोचिंग में एक ही अड्डा है अपना द फाइव हाउसेज, यहाँ हम गिरते हैं और यहाँ मेरे को गन मिलती नहीं है। तो मैं हमेशा जब मेरे को गन नहीं मिलती तो मैं छोटे ब्लू घर में चले जाता हूँ गन ढूंढने, क्योंकि यहाँ तो मेरे को मिल ही जाती है, पर मेरे को यहाँ भी नहीं मिली तो मेरे को उसी से ही काम चलाना पड़ा। और दूसरी बात रही तो मेरी फटी, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, और हेलमेट नहीं होता तो मतलब एक गोली में तो तुम्हारी क्रेड बननी है। तो मैं यहाँ तो अपने टीम मेट से पूछ रहा था गाइज एक्चुअली कि आपके पास हेलमेट है, अगर आपके पास हेलमेट है तो प्लीज़ बताओ मुझे कहाँ क्या है, क्या सीन है, कहाँ बंदे मार रहे हो, कहाँ बॉट मार रहे हो। तो पर यहाँ मुझे शैक में तो हेलमेट मिल ही गया, तो उसके बाद मैंने बोला चलो पुश करते हैं। और गाइज पुश करने के तो अपने में एक कला है, आर्ट है, तो सब अपन अब पुश करते हैं ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक बंदा आया और ये गोली नहीं मार रहा था, तो मुझे लगा ये बॉट है, तो मैं बॉट समझ के इसके पीछे गया और मैं इसको गोली मारूं, और ये बंदा निकला और उसने मुंह पे शॉटगन मार दी। पर उतने में हमारे DX बनी ने भाई क्या ही क्रेड बचाई है मेरी गाइस, जो केडी जाती ना मेरी क्या ही क्रेड बचाई। और ये स्नेहा नूब को देखो, ये मेरे को बाहर रिवाइव दे रही है ओपन में, ये नहीं कि अंदर आके पहले रिवाइव, और फर्स्ट एड भी उठा लिया मेरे, फर्स्ट एड भी नहीं और फर्स्ट एड भी उठा लिया मैडम ने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। पर गाइज वो क्या स्कैम था ना गाइज, मेरे को लगा वो बॉट है। गाइज तुम्हें भी अगर लगा वो बॉट है तो बोलना, क्योंकि वो ऐसा छुप छुप के पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो हालांकि मेरे टीममेट्स ने उसको मार दिया। तो ये दूसरा बॉट यहाँ पे आया तो हील करने से पहले मैंने इसको नॉक कर दिया, क्योंकि शारिक भाई को तो केडी बढ़ानी है, तो किल की भूख तो लगती है ना भाई अपने को, तो सीधा नॉक कर दिया फोन ने, बोला पहले तो किल सिक्योर करेंगे। तो गाइज मैंने किल सिक्योर कर ली, यहाँ पे किल सिक्योर कर ली मैंने गाइज, यस दैट इज़ राइट। तो मैंने किल सिक्योर करी, उतने में मेरे मेरे टीममेट का कॉल आउट आता है कि ब्रो मेरे पे बंदे हैं तो फटफट मेरे पे आ जा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है ब्रो आ रहा हूँ मैं, नॉक नहीं होना। तो मैं अपने टीममेट्स को बचाने जाता हूँ यहाँ पे गाइस, क्योंकि शारिक का तो काम ही है बचाना, मजाक कर रहा हूँ गाइस यार, आधे से ज़्यादा बार तो मैं नॉक हो जाता हूँ ऐसे अंधेरे से पुश करता हूँ ना मैं। और यहाँ मैं लेफ्ट राइट पीक क्यों कर रहा था, मेरे को पता है वहाँ बंदा नहीं, पर मैं वीडियो को कूल लगाने के लिए कर रहा था गाइस, ये कि मैं इतना तेज़ कर सकता हूँ, स्टूपिड हूँ मैं। इतने में मेरे बंदे ने दो बंदे नॉक किए और फिर वो नॉक हो गया, तो मेरा दूसरा बंदा उसको बचाने गया और वो भी नॉक हो गया। तो अब स्नेहा और मैं बचे, तो हमने बोला ये हमारा ही काम है, हम ही बचाएंगे तुम्हें। तो तुम्हारा भाई लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में चुपचाप से सबसे ऊपर चला गया, और यहाँ मेरे को लगा मेरी उजी पे एक्सटेंडेड मैग है, तो मैं उसको आराम से मार लूँगा। तो मैं उसको पुश करता हूँ और मैं उसको गोली मारता हूँ और ये मरता नहीं, और मेरी एमो खत्म हो जाती है और मैं नॉक हो जाता हूँ। पर ये 1 HP था, मैंने स्नेहा को बोला यहाँ पे कि 1 HP था, उसको मारो। तो स्नेहा को देखो ये क्या कर रही थी गाइज, ये कूद वूद के उसको मार रही थी। अब मैं क्या बोलूँ गाइज, यहाँ पे कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले मेरे को रिवाइव दे देती है और बनी को नहीं देती, तो बनी बोलता है अरे यार शारिक को रिवाइव दे रही है पहले, हालांकि पास में हूँ। तो गाइज ये हो जाता है, और इतने पे नेड आने लग जाते हैं हम पे कि हम पे और एक स्क्वाड ने पुश कर लिया, हमने और एक स्क्वाड भी पुश कर लिया। तो गाइज अब ना, अब मैं गाइज रिकॉर्डिंग थोड़ी ना लाइक कमेंट्री बंद कर रहा हूँ, आप इन गेम कॉल आउट सुनो, क्योंकि ये बहुत इंटेंस सिचुएशन है गाइज। तो आप इन गेम कॉल आउट सुनो और आप बताओ आपको ये इंटेंस सिचुएशन कैसी लगी। तो इन गेम कॉल आउट सुनो, शर्म ही नहीं आता भाई, स्मोक है वो, स्मोक है सारे, अब इन पे नेड है ही नहीं, तो नेड ही आ जा तेरी माँ की। अबे 1 HP है ये, 1 HP, 1 HP बहुत बढ़िया, आ जा। अरे तो मैं हट, मैं ऊपर को चढ़ लूँ। अरे हाँ भाई शर्म आ जा, भाई आ रहा हूँ भाई, हो गया
शौरी कोई तो गाइस आपको वो इंटेंस सिचुएशन तो अच्छी लगी होगी, भाई तो है ही ओपी। और इतने में फिर हम वहां से निकलते तो एक गाड़ी पे मैं ठोक देता हूँ, और ये चार बंदे पता ही नहीं क्या करते, तो यहाँ तो जंग हो जाती है अलग ही इन चार बंदों के साथ। तो इन चार बंदों को भी मैं मार देता हूँ, मैं यहाँ पे भी तीन किल ले लेता हूँ। तो बनी बोलता है भाई ये क्या कर दिया तुमने यार, मतलब इतना किल तो दो मेरे को। तो फिर हम वो सब गाइस क्लियर करने के बाद हम सीधा निकलते हैं वहां से। मैं ज्यादा हाइप नहीं करूंगा 1v8 सिचुएशन को, बिकॉज गाइस यू नो इट्स योर बॉय शारिक यार, वन मैन आर्मी बोलते भाई। तो गाइस फिर हमने यहाँ पे शॉट्स पड़े थे शेल्टर को, तो मैंने यहाँ जाके रुकी और मैंने देखा, मैंने सोचा कि हम यहाँ से इनको मारेंगे, तो लाइक मैं इसको स्प्रे देता हूँ, पर मेरी गोली नहीं कनेक्ट होती, लाइक मेरे से रिकॉल ही नहीं कनेक्ट हुआ। फिर मेरे को याद आया कि मैंने अपनी गायरों की सेंसिटिविटी अपनी स्नाइपर में करके रखी है 4x की, तो मैंने फटफट से उसको फुल मैक्स कर दी जिसमें मैं खेलता हूँ, और फिर मैंने DP के स्प्रे देने जो चालू किए इन बंदों को। फिर ये मेरे को हैकर वाली फीलिंग आ गई थी, देखो ये बंदा भाग रहा था, इसको लिटरली मैंने इतनी गोली मारी है, 1 HP बच गया। अगर मेरे टीममेट जो चोमू है ना टीममेट्स, अगर वो एक गोली मार देते ना मेरे चोमू टीममेट्स इनको, तो ये यहाँ पे इनकी क्रेट थी। और यहाँ पे गाइस मेरे को बंदे दिखते हैं, तो तुम्हारा भाई क्या ही स्प्रे देता है, पूरी स्क्वाड ही डेड हो जाती है यहाँ पे एक ही स्प्रे में। तो यहाँ पे एक ही स्प्रे में स्क्वाड डेड हो जाती है गाइस, जैसे कि आपने देखा। लाइक वो ना थर्ड पार्टी करना आया था इनको, पर हमने उनको ही थर्ड पार्टी कर दिया। तो उसके बाद मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि अब क्या डिसाइड किया गया, सीधा पुश करना है कि और एक नॉक करे फिर घुसते हैं, पर वो बोलते हैं गाड़ी लेके घुस ही जाते हैं क्योंकि उनका थर्ड पार्टी हुआ था, तो लाइक उनके बंदे लाइक लिटरली नॉक वॉक होंगे, तो फटफट पुश कर लेते हैं। तो मैंने बोलता हूँ ठीक है चलो तुम पैदल जाओ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी लेके पुश करने जाता हूँ अपने शेल्टर पे, तो ऐसे बोल रहा हूँ मेरे बाप ने खरीद के रखा है, क्या ही बोलता हूँ गाइस मैं चोमू हो गया हूँ। तो मैं देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है एक ऊपर एक बंदा है, तो मैं यहाँ TPP लेने लग जाता हूँ, लाइक रिच का कवर यूज़ करता हूँ, हमेशा कवर में रहना। तो यहाँ पे बंदा गाड़ी के पीछे भागता है, इसको मैं 1 HP कर लेता हूँ, तो मेरा बंदा उसको पुश कर देता है, तो राइट से इसको पुश करता है, तो मैं इसको ऊपर वाला जो पीक करता है मेरे बंदे को नॉक करने के लिए। भाई कहाँ से बेटा, रुक जा आराम से भाई, हमें भी खेलना आता है, हमें पता है तू पीक करके नॉक करेगा, पर हम भी तो गोली मारेंगे ना तुझे, ये क्या समझ रहे थे भाई तुम अपने आप को, तोप हो गया दादा बड़े। खैर छोड़ो गाइस मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, आई लव हिम, वेल प्लेड भाई। तो उसके बाद हमने शेल्टर क्लियर किया, तो फिर आगे एक स्नाइपर टावर था, जाके हमेशा मेरे को ऐसे जोन में वो स्नाइपर टावर पे बंदे मिलता ही है, तो मैंने मार्क किया और बोला चलो वो स्नाइपर टावर जाते हैं, वहाँ कन्फर्म बंदे होंगे। तो वहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, तो मैं मेरे टीममेट्स को बोल रहा हूँ भाई मार दो इसको, मार दो इनको, क्या कर रहे हो तुम, मार दो प्लीज़ मार दो इनको। तो भाई 2 बार गाड़ी घुमाई लिटरली, उसके बाद जाके नॉक हुआ ये बंदा। उसके बाद मैं इनको बोला और एक बंदा है सामने पेड़ के पीछे, मैं इस पर गाड़ी चला देता हूँ, पर ये हट गया, तो मैं बोला मारो, तो नहीं मारा इन्होंने, तो मैं किल लेने गया पर ये किल चोरी हो गई। उतने भी और एक स्प्रे आया और मेरा टीममेट नॉक हो गया, उसको फिनिश करता उससे पहले तुम्हारे भाई ने DP का स्प्रे ही भर दिया उसके सर पे, लाइक उसका टकला ही उड़ा दिया तुम्हारे भाई ने, सीधा खत्म कर दिया खेल, काम 25, क्या बोलते हैं मुंबई वाले, काम 25 सीधा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने उसकी क्रेट बना दी, और फिर मैं आराम से अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, और मैं बोलता हूँ उनको लूट लो जो करना है कर लो। और गाइस 2000 लाइक्स इज द एम आ गाइस फॉर अ स्पेशल ट्रियो वीडियो मैक्स एंड शारिक एंड एनब्रो की, तो 2000 लाइक्स गाइस हिट कर देना ये वीडियो पे प्लीज़। और दूसरी बात रही 1v8 सिचुएशन कैसी थी, अब तो मैं हाइप करूंगा खुश गाइस, मैंने क्या किया वो क्या क्लच था गाइस वो 1v8, लाइक वन ऑफ माई बेस्ट क्लचेज होगा वो गाइस, क्योंकि मैं ना इतना बुरा खेल रहा था क्योंकि मैं कॉड खेल के आया था और मेरा ना एम वेम नहीं बैठ रहा था बराबर, पर वो 1v8 ने जो मेरे को मोटिवेट और बूस्ट किया ना गाइस, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। तो खैर उसके बाद लास्ट के चार बंदे पड़ते हैं और यहाँ होता है हमारे साथ स्कैम। स्नेहा एक बंदे को नॉक करती है ओम से, ठीक है स्क्वाड हाउस के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे हमारे साथ क्या स्कैम होता है, लाइक हमें पता है ये चार बंदे लिटरली ये लास्ट स्क्वाड है, हमें ये सब पता है। तो हम जाते तो इतने में मेरा टीममेट कॉल आउट देता है कि ब्रो ये फैन मीटअप कर रहे हैं हमसे। मैं बोला फैन मीटअप कर रहे हैं, ये तो गोलियां मार रहे थे हमें, कब से जोन वोन में नहीं आने दे रहे थे, अब नॉक हुए तो फैन मीटअप। तो बोला ठीक है यार देखो अब बेचारे फैन मीटअप कर रहे हैं, कूद वूद रहे ऊपर। तो मैंने बोला छोड़ो क्या मारूँ मैंने, लाइक फैन मीटअप है ठीक है तो मीटअप कर लेते हैं गाइज। तो गाइज हम मीटअप करने गए, तो मैंने बोला तुम दोनों जाओ, मेरे को इन पर शक हो रहा है थोड़ा सा कि ये भाई कुछ उंगली उंगली करेंगे। तो मेरे को पता था ये चार बंदे, तो मैंने देखा 2 ही बंदे आ रहे हैं फैन मीटअप के लिए, और ये फैन मीटअप करने आते हो ना गाइस तो बेसिकली ना गन छोड़ के आया करो, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है, मैं सीधी बात बोलूँ मेरे को बहुत डर लगता है, गन छोड़ के आ जाया करो गाइस, गन फेंक के आ जाया करो, हम नहीं मारेंगे, पर आप गन रख के आते हो ना तो एकदम बैक ऑफ द माइंड वो एक डाउट आता है कि भाई ये मार देंगे हमें। तो मेरे टीम मेट से पूछते भाई तुम कितने हो, चार हो ना, तो बाकी के कहाँ हैं, तो बोलते अरे आ रहे आ रहे सब आ रहे। तो ये 2 इधर थे, तो इनका और एक तीसरा पीछे था वो भी आ रहा था, तो मैंने बोला ठीक है चलो आ रहे थे। तो इतने में ना ये बंदे ऑल चैट पे थे और ये बोलते मारो 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 उनके अपने टीममेट को, तो जैसे ही कॉल आउट देते वैसे ही हम लोग स्प्रे देते हैं और इन लोगों को मार देते हैं। इन लोगों का जो चौथा बंदा ना वो इतना दूर हम पे एंगल लेके बैठा था, तो मैं फटफट उसको भी मार देता हूँ। और यहाँ पे चिकन डिनर, मतलब ये गाइस ने क्या समझाता यार, शांडे हो इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड ब्रो,
इतने शाने यार तुम लोग, इसलिए मैं पीछे खड़ा था गाइस, क्योंकि मेरे को इन पर ना डाउट हो ही गया था। तो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन 40K के पास है, और 2000 लाइक्स प्लीज कर देना। आई सी यू गाइस लेटर, पीस आउट, बाय बाय बाय।